तो हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी करा दिया और मुसलमान को छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, तो जनसंख्या तो वहाँ बढ़ा। आज देखा जाए जब पाकिस्तान जब हमसे अलग हुआ तो हमारे देश में कितने मुस्लिम थे? किसी मीडिया वाले ने इस चीज को नहीं दिखा रहा है। 20% ही मुस्लिम रह गए थे। अब कितना है? अब कितना है? और हिंदू कितना था और कितना है? आज तो हिंदू का जनसंख्या बढ़ना चाहिए था, हिंदू का साले घट रहा है, मुसलमान के बढ़ रहे। अब क्या बोले, नीतीश कुमार तो इतना नालायक हो गया, इतना नालायक हो गया जो मतलब एक सुअर की तरह हो गया है वो। नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में भरे मंच पर सबके सामने ये कह दिया कि राहुल मूर्खों के सरदार हैं। क्या प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है? नहीं, राहुल है इसलिए। आज हमारा राशन कार्ड नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश के हित में काम हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आज विदेशों में नाम हो रहा है भारत का। भारत का जो एक नींव होता है वो मजबूत नींव दिया है, साम डाम दंड भेद, जो जिस तरीका से समझेगा उसे उस तरीका से ही समझाया जाएगा। ये अक्सर ये साम दाम दंड भेद ये सारी चीजें अक्सर चुनाव के समय में ही क्यों याद आती है? चुनाव के समय में नहीं आता है। अभी आज आतंकवादी नहीं घुस रहा, आज आके दिल्ली में बम नहीं फोड़ रहा है। बाहर से आतंकवादियों को आने की जरूरत ही नहीं है, अब तो देश में ही आतंकवाद पैदा हो गया है। कोई नहीं, अब मर रहा है, खुद मर रहा है। पाकिस्तान में देखो, पर दिन मर रहा है आतंकवादी। हाँ, ये तो मोदी जी का बैठे बैठे कमाल हो रहा है। 2024 में सब पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। ये मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, भाजपा आ रही है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो खुद को योगी का बड़ा भक्त कहते हैं, भाजपा के बड़े समर्थक कहते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव में भाजपा जीतेगी या इस बार कांग्रेस बाजी मार लेगी। 9 सालों से भाजपा ने क्या काम किया है और क्या नहीं किया है, उससे ये कितने संतुष्ट हैं, आज इन्हीं की जवानी जानते, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा का समर्थन इस वक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 9 सालों में भाजपा ने जो कार्य किए वो उन्हें पसंद नहीं आए। क्या ये बात सही है कि भाजपा के 9 सालों के कार्य बहुत ही बेकार रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे भाजपा के कार्यकाल, क्योंकि इसमें देश का विकास हो रहा है। कहाँ से विकास हो रहा है, किधर विकास दिख रहा है आपको? बहुत विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। आज हमारा राशन कार्ड नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश के हित में काम हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आज विदेशों में नाम हो रहा है भारत का। घर में खाने को ना वो ठीक है, लेकिन विदेशों में नाम हो रहा है वो ठीक है? बिल्कुल। आज हमारा 9 सैनिक वहाँ पकड़ाया गया है, आज उसको फांसी की सजा देने वाला था, वो रुकवा दिया है मोदी जी ने। और इससे क्या चाहिए? 9 सैनिकों की फांसी की सजा रुकवा दी और मणिपुर में जो दंगा हुआ, नूह में जो दंगा हुआ, इतने लोग मारे गए, बहु बेटियों की इज्जत लूट ली गई, उसका क्या? दंगा तो हर सरकार में हो रहा है, किस सरकार में नहीं हो रहा है? आज बम फट रहा है कहीं पे, आज देश में जो पब्लिक मरता था आज मर रहा है, आज नहीं मर रहा है पब्लिक। आज आतंकवादी नहीं घुस रहा है, आज आके दिल्ली में बम नहीं फोड़ रहा है। बाहर से आतंकवादियों को आने की जरूरत ही नहीं है, अब तो देश में ही आतंकवाद पैदा हो गया है। कोई नहीं, अब मर रहा है, खुद मर रहा है। पाकिस्तान में देखो, पर दिन मर रहा है आतंकवादी। हाँ, ये तो मोदी जी का बैठे बैठे कमाल हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के हिस्से से जो सैनिक घुस आए थे, तो वो भी मोदी जी का कमाल था? सब मोदी जी का ही कमाल है, ठीक है। और देश के अंदर जनता अब बिल्कुल खुश है। हाँ, और 2024 में सब पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। ये मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, भाजपा आ रही है, और सब पता चल जाएगा। राजस्थान का भी चुनाव आ रही है, भाजपा आ रही है वहाँ पे। हाँ, सब राजस्थान में जा करके JP नड्डा कहते हैं कि राजस्थान में हो रहे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में हाल ही में बहुत बड़ा अपराध हुआ, 12 साल की नाबालिग बच्ची रोड पर घूमती रही, उसको कोई कपड़ा देने वाला नहीं था, सब मुंह देख रहे थे। शिवराज मामा ने क्या किया? मामा के राज में बहनें खुश नहीं है, अभी भी बहनें शिक्षित नहीं हो पा रही हैं, बच्चे अभी भी अनाथ घूम रहे हैं, अभी भी बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें अभी भी हो रही है। फिर भी भाजपा ही आएगी? फिर भी भाजपा ही आएगी, क्योंकि देश इतना बड़ा है, जनसंख्या इतना हो गया है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। और सब काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर लाइन में काम हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा है। जो बहन बेटी के साथ हो रहा है उसे सजा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है, सब काम हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में आगरा में जो हुआ दिवाली के समय में, क्या सजा मिली है? सब सजा मिलेगा, कानून करेगा उसका, उसका कानून करेगा, सरकार थोड़ी करेगा, कानून करेगा, कानून के तौर पे काम हो रहा है। बाबा कहते हैं कि अगर अपराध होगा तो बुलडोजर चला दिया जाएगा, आगरा में जो 5 अपराधी पकड़े गए उन पर बुलडोजर कहाँ चलाया गया? अरे ये केशवराव मौर्या है ना, ये उल्टा सीधा बोलता है, इसे दम ही नहीं है जो योगी के बारे में एक शब्द बोल दे। और योगी तो वो है
जो दूध का दूध पानी का पानी मिनट में कर देता है। योगी एक तरफ कहते हैं कि मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदू का समर्थन करता हूँ, सनातन धर्म का समर्थन करता हूँ, और उन्हें मजार पर चादर चढ़ाते भी देखा गया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चादर चढ़ाते हैं हम सबको मानते हैं, हमारा देश जो है विश्व शांति सबका, हम सबका शांति चाहते हैं, जो जिस हिसाब से मानना चाहता है उसको उस हिसाब से हम मनाते हैं, कोई प्यार से मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो है ही। अच्छा प्यार से नहीं मानेंगे तो वार से मान जाएंगे फिर क्या। हाँ। तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। योगी जी है अभी देखिए इंडिया गठबंधन तैयार हो चुका है मोदी के विरुद्ध में, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन के आगे मोदी की पावर टिक पाएगी? अरे इंडिया गठबंधन तो अपना रंग अभी से दिखाना शुरू कर दिया, नीतीश कुमार बिहार में क्या क्या बोल रहा है, इंडिया गठबंधन का ये नतीजा तो अभी आ रहा है। इंडिया गठबंधन क्या करेगा, ये इंडिया कोई नहीं है, भारत। आप बिहार से हैं? हाँ बिल्कुल बिहार से। बिहार से होने के बावजूद भी नीतीश कुमार का समर्थन नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार तो बहुत, अब क्या बोले, क्या बोले, जनता देख रही होगी, अब क्या बोले, नीतीश कुमार तो इतना नालायक हो गया, इतना नालायक हो गया जो मतलब एक सुअर की तरह हो गया है वो। हाँ उसे तो जूता मार के भगाना चाहिए। अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को आप गालियां दे रहे हैं? बिल्कुल, वो तो संजोग था, जो भाजपा का देन था, जो रेल मंत्री बन गया, नहीं तो वो तो जूता खाने भी लायक नहीं है वो। है जो हमारी बहन की बेटी की शादी होगी क्या होगा सबको पता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मीडिया में खुल के नहीं बोलना चाहिए, इस चीज को पर्दे के अंदर बोला जाता है। हाँ इस हिसाब से काम होना चाहिए। तो चलिए उन्होंने मीडिया के सामने ऐसी बातें बोली, भरे सदन में ऐसी बात कही तो मीडिया से माफी भी मांग ली, लेकिन जिसकी बात आप करे, जिसका समर्थन आप करे, भाजपा के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में भरे मंच पर सबके सामने ये कह दिया कि राहुल मूर्खों के सरदार हैं, क्या प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है? नहीं राहुल है इस लाइक, राजस्थान में कांड नहीं हुआ, राजस्थान में तो कांग्रेस का ही सरकार है, है? तो भाजपा को क्यों दोषी ठहराया जा रहा है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार, वहाँ रुकना चाहिए, वहाँ क्या किया? नहीं दो चार राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, अगर वहाँ पे अपराध नहीं रुक रहे हैं तो कांग्रेस रोका नहीं, और जो बाकी जगहों पर जो अपराध हो रहे हैं, जहां भाजपा की सरकार है, वहां भाजपा पर कोई उंगली क्यों नहीं उठा रहा है कि भाजपा ने वो चीजें रोकी क्यों नहीं? देखो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, मतलब भाजपा के राज्य में कुछ हो तो वो सही है और कांग्रेस के राज्य में हो तो गलत है। तो भाजपा एक्शन ले रही है, ऐसी थोड़ी है, भाजपा एक्शन ले रही है, काम कर रही है। किन मुद्दों पर एक्शन ले रही है? सब मुद्दों पर एक्शन ले रही है, जो मामले मीडिया तक पहुंच जाए, ज्यादा हाईलाइट हो जाए, केवल उन्हीं पर एक्शन लिया जाए। मीडिया वाला कुछ बना चना के बोल देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मोदी सरकार अपना जो एक स्तंभ होता है, भारत का जो एक नींव होता है, वो मजबूत नींव दिया है, साम डाम दंड भेद जो जिस तरीका से समझेगा उसे उस तरीका से ही समझाया जाएगा। ये अक्सर ये साम दाम दंड भेद ये सारी चीजें अक्सर चुनाव के समय में ही क्यों आ जाती है? चुनाव के समय में नहीं आता है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुआ था, क्या हुआ था? नहीं हुआ था चुनाव, लेकिन दिखाया ना, बड़े बड़े देश के लीडर सब एक से एक लाइन लगा हुआ था, सब भारतम मंडपम है, हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहा था। इंडिया क्या है, व्हाट इज दिस इंडिया? हाँ इंडिया नहीं भारत, सब बोला एक से एक लीडर विश्व का, अमेरिका रूस जापान, आज रूस इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, आज इतने जो युद्ध चल रहा है, आज भारत शांति से बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? आज चाइना हम पे चढ़ सकता है, आज क्यों? हमारा सरकार मजबूत है, इसीलिए रूस बचाया। 70 सालों से तो भारत कांग्रेस के ही हाथ में था, तो क्या भारत सुरक्षित नहीं था? भारत सुरक्षित बिल्कुल नहीं था, भारत के पास एक परमाणु बम नहीं था। आज परमाणु बम का कौन दिया? बीजेपी के देन में आया, आज अटल बिहारी ने परमाणु का वो किया। इतने सालों से मंदिर नहीं बना, 9 सालों में इतना 9 सालों में मंदिर नहीं बना, और जैसे ही चुनाव का समय है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, वैसे ही मंदिर का उद्घाटन शुरू हो गया। ऐसा नहीं हुआ, आज कांग्रेस का जो वकील है उसने बोला जो 2019 के बाद चुनाव के बाद मंदिर का काम हो, फिर भी 2019 में बीजेपी चुनाव जीत गया और मंदिर का काम हुआ। ये कांग्रेस इसको रोक रखा था, कांग्रेस 70 साल में क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने कभी जातिवाद नहीं किया, भाजपा जातिवाद कर रही है। जातिवाद नहीं कर रहा भाजपा, भाजपा सबको लेके चल रहा है, सबका मान सबका सम्मान सबका साथ, भाजपा कभी सबका साथ लेकिन सबका विकास नहीं, केवल मोदी अडानी और पूंजीपति वर्ग का विकास कर रहे हैं, ऐसा विपक्षियों का आरोप है। नहीं, विपक्षी तो कह रहा है जो मोदी जी बेच रहे हैं और
अडानी खरीद रहे हैं। अरे खरीद कौन रहा है? 400 का सिलेंडर 1200 में कैसे हो गया? 400 का सिलेंडर 400 का सिलेंडर 1200 में क्या? ये बात तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए। राहुल गांधी देश थोड़ी चला रहे, 9 सालों से देश तो भाजपा के हाथों में। आज कितने घर में सिलेंडर नहीं था, इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कितने घर में सिलेंडर नहीं था, अपने जेब से तो नहीं दिया। नहीं नहीं, तो इसीलिए ना 1200 हुआ। आज जो कितने घर में चूल्हे जल रहे हैं, कितने बहन बेटियां चूल्हा फूक रही थी, उपले पे फूक फूक मार रही थी, कितने का आँख खराब हो रहा था। ठीक है, उज्ज्वला योजना चलाई, सभी को गैस सिलेंडर दे दिया, चूल्हा दे दिया फ्री में, लेकिन भराएंगे कहाँ से 1200 रुपए में? क्यों, उसके लिए सब्सिडी है, उज्ज्वला वाले के लिए सब्सिडी है, 400 रुपए की सब्सिडी है उसके लिए। हाँ सब्सिडी तो आपके लिए, हमारे लिए भी थी, आई क्या खाते में? नहीं तो हमें नहीं चाहिए ना। किसानों पर जीएसटी, दूध दही पर जीएसटी, बच्चे खाएंगे क्या? आज 70 साल में कोई सरकार के पास इतना दम था जो किसी किसान के खाते में हम 2001 रुपया भेज दे? एक रुपया भेज दे या ना भेज दे, फिर भी आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कर रहा है, आज मोदी सरकार 2000 रुपए भेज रहे हैं, इधर कल परसों में भेजे है मोदी सरकार, कहाँ से आ रहा पैसे? इस चीज पे जोर नहीं दिया जा रहा है? MSP बढ़ाने की मांग की गई थी, वो भी नहीं बढ़ाया गया। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी सरकार अपने हित में बहुत ही अच्छा प्राइम मिनिस्टर भारत को मिला है। 100 अगर नहीं जीत पाई तो आप जो ये योगी का चोला पहन के चलते उतार देंगे भाई पब्लिक में? बिल्कुल उतार देंगे, 100%। राहुल गांधी की भक्ति करेंगे? जीत गया तो राहुल गांधी की भक्ति करेंगे? राहुल गांधी, वो गांधी कहां से लगा? पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, विकास पॉपुलेशन में हो रहा है, जनसंख्या में विकास हो रहा है। बिल्कुल, इसका मोदी की वजह से? नहीं नहीं, मोदी की वजह से, कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस क्या है? हाँ। कारण क्या है? कारण ये है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी हमारे देश में, उस टाइम में क्या किया था इंदिरा गांधी? तो हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी करा दिया और मुसलमान को छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, तो जनसंख्या तो वहाँ बढ़ा। आज देखा जाए, जब पाकिस्तान जब हमसे अलग हुआ तो हमारे देश में कितने मुस्लिम थे? किसी मीडिया वाले ने इस चीज को नहीं दिखा रहा है। 20% ही मुस्लिम रह गए थे। अब कितना है? अब कितना है? और हिंदू कितना था और कितना है? आज तो हिंदू का जनसंख्या बढ़ना चाहिए था, हिंदू का साले घट रहा है, मुसलमान के बढ़ रहे हैं। विकास के नाम पर मोदी जी बस जनसंख्या ही बढ़वाएंगे क्या? नहीं नहीं, मोदी जी नहीं बढ़वा रहे हैं, मोदी जी इसको कंट्रोल कर रहे हैं और धीरे धीरे करेंगे। कंट्रोल करते करते 9 सालों में हम चाइना से आगे चले गए। बिल्कुल, 9 साल से नहीं, हम पहले से ही आगे जा रहे थे, इंदिरा गांधी के टाइम से ही हम आगे जा रहे। पहले कभी ऐसे आंकड़े देखने को मिले नहीं ना कि चाइना से आगे है पॉपुलेशन में भारत। नहीं नहीं, अभी हम चाइना से आगे जा रहे हैं, अगर जनसंख्या जनगणना हो जाए ना तो हम चाइना से आगे जा रहे हैं अभी के टाइम में। आप इस बात से खुश हैं? बिल्कुल, हम क्यों खुश रहेंगे? जब जनसंख्या बढ़ेगा तो कहाँ से आएगा रोजगार? आपके कितने बच्चे हैं? हमारे तो 2 बच्चे हैं, दो लड़के हैं, बस बस बस, हम दो, हमारे दो, बस बस बस। तो आप समर्थन नहीं करेंगे मोदी जी का जनसंख्या बढ़ाने में, विकास करने में? नहीं नहीं, देश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है तो आगे हो सकता है हमारे बच्चे का भविष्य बन जाए। क्या लगता है, इन दोनों बच्चों को रोजगार मिल जाएगा भविष्य में? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अगर मोदी जी रहे। मोदी जी 2030 तक कोई नहीं इसको हिलाने वाला है। हाँ, अब मोदी जी को अगर हिला दिया तो फिर योगी जी तैयार है उधर। हाँ, मोदी की जगह लेने के लिए योगी तैयार है? बिल्कुल, एक उत्तर प्रदेश को संभाल रहा है, इसका मतलब क्या है, एक देश को संभाल रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या कितना है, अमेरिका का जनसंख्या कितना है, हमारे यूपी से कम है। आज यूपी को संभाल रहा है, समझिए एक देश को संभाल रहा है वो, और इतना बड़ा स्टेट को संभाल रहा है, क्या एक देश से कम थोड़ी है? हाँ, ऐसा बंदा चाहिए देश को, हाँ, जो देश हित में काम करे। हाँ, विकास 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 की बात होती है, और इनका कहना है कि अगर मोदी जी आगे तक नहीं जा पाए तो योगी जी तैयार है उनकी जगह लेने के लिए, लेकिन कांग्रेस इस गद्दी पर कभी नहीं आएगी। 2024 का चुनाव अगर कोई जीतेगा तो वो केवल भाजपा जीतेगी, और ये मोदी को ही देखना चाहता है। खैर, चुनाव बेहद नजदीक है, परिणाम बेहद नजदीक है, और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। जो राम को लाए हैं क्या उनको ही लाया जाएगा, या इस बार तख्ता पलट जाएगा और एक बार फिर से कांग्रेस इस गद्दी पर काबिज हो जाएगी। बने रहिए NCR समाचार पर, मैं आपके साथ नमिता चौहान।